हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरी चैनल जॉब टेक में। आज आपको बताऊंगा रेलवे में जो भर्ती आरपीएफ की आई है उसको आप घर बैठे कैसे फॉर्म भर पाओगे बिना कोई किसी की मदद के। चलो शुरू करते हैं। जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक को आपको कॉपी करना होगा दोस्तों। उसके बाद गूगल में जाके सर्च में जाके पेज कर दोगे तो फिर ऐसा एक पेज खुलेगा दोस्तों। उसके बाद उसमें आपको जो जिस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरना है उस रिक्रूटमेंट में जाना होगा। जैसे कि आपको कांस्टेबल में भरना है दोस्तों तो कांस्टेबल में जाना होगा। कांस्टेबल में जाओगे तो ऐसा खुलेगा दोस्तों। इसमें जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना होगा दोस्तों। न्यू रजिस्ट्रेशन में ऐसा होगा कि आपको कौन से जोन में आपको भरना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई एंड ग्रुप एफ होगा दोस्तों। उसके बाद उसमें अगर आप जिस तरह जोन से में पाना जाओगे उसके बाद भर सकोगे जोन में। जैसे कि यहाँ डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे जोन दिया हुआ है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे कि आपको ग्रुप डी में भरना है, ग्रुप डी में यदि भरना चाहते हो तो दोस्तों ऐसे फिर ऐसे एक ऑनलाइन मतलब इंफॉर्मेशन आएगा दोस्तों। जैसे कि आपको खुद भरना एक तारीख से चालू होता है भरने का और उसके बाद एक ही जोन पर आपको अप्लाई करना होगा, दो जोन पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो 250 का रिफंड नॉन रिफंडेबल पेमेंट होगा दोस्तों। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस तरह होगी कि आईडी वो सब मांगेगा, ओटीपी आएगा, उसके बाद मॉडिफिकेशन, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, उसके बाद जोन वेरिफिकेशन भी आएगा दोस्तों। उसके बाद बैंक डिटेल एंड फी पेमेंट आएगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद यदि आप इसमें जा चुके हो तो आपको ये दोनों में क्लिक करना होगा मेरे दोस्तों। क्लिक करने के बाद सबमिट दोगे दोस्तों। उसके बाद ऐसा रजिस्ट्रेशन का पूरा आएगा जिसमें आपको नाम लिखना होगा दोस्तों। इधर पहले में नाम आएगा आपका जो भी है, उसके बाद इधर आएगा फिर से नाम रजिस्टर करना होगा, फिर इसमें जन्म तारीख आएगा दोस्तों, बर्थ डेट। उसके बाद आपका आएगा जेंडर आएगा दोस्तों, मेल या फीमेल। यदि उसके बाद आपका आधार कार्ड देना होगा इफ़ आपके पास है, तो इफ़ नहीं है तो उसके बाद मतलब नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड में जाना होगा। उसके बाद फादर नेम जो पापा का नाम है इधर आएगा, फिर मम्मी का नाम आएगा दोस्तों। जो 10वीं क्लास में जो रिज़ल्ट है ना दोस्तों उसी के आधार पे आपको ये सब भरना होगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो डालना होगा दोस्तों। उसके बाद मतलब कौन से साल में आपने पास किया था, पास आउट वो डालना होगा। जैसे कि आप मैंने अभी किया था 2015 में, तो उसके बाद मोबाइल नंबर डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आएगा कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस आएगा दोस्तों, जो भी आप डाल सकते हो ऐसे। उसके बाद कंफर्म आएगा, फिर ये एंटर कैप्चा आएगा, फिर आपको कंटिन्यू करके क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा कि आई डिक्लेयर आएगा। उसके बाद जो कंटिन्यू क्लिक दोगे तो फिर उसके बाद आपको होम में जाना होगा दोस्तों। उसमें आएगा कि कैंडिडेट लॉगिन आएगा, उसमें जाके मॉडिफाइंग एप्लीकेशन में जाना होगा। मॉडिफाइंग एप्लीकेशन में जाके आप लोग को जोन से जोन में उस जोन में जाके अपना पूरा अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड वो सब अपलोड करना होगा दोस्तों। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा प्रक्रिया। यदि आपको ये पसंद आया वीडियो तो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।